तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज है हमारा 10वां दिन और आज की शुरुआत महादेव जी के साथ, तुंगनाथ जी के साथ, और अपना 10वां दिन है आज और अपनी ट्रैकिंग चालू होने वाली है आज तुंगनाथ की, जो 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। और हम लोग आज रुके थे इस रिसॉर्ट पे, और ये देखो ये हमारा रूम, हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, बस अब जाने की तैयारी ट्रैकिंग के लिए। और देखो यहाँ से नज़ारा हमारे रिसॉर्ट से, क्या ब्यूटीफुल वेदर है, एकदम पूरे बादल बादल छाए हुए हैं, और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी चलते हैं, बिना लेट किए अपन को ट्रैकिंग करनी है और आगे निकलना है अपने को अभी बद्रीनाथ के लिए। तो हमको अभी कम से कम 12 बजे तक तो नीचे आ ही जाना है, और उसके बाद फिर बद्रीनाथ के निकल के शाम तक बद्रीनाथ को पहुँचना। और स्वागत है अपना आप लोग का भी देवभूमि में, और देवभूमि में चलो आपको कराते हैं अपन वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट शिव टेंपल का, और जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अपन यहाँ गाड़ी पार्क कर चुके हैं, ये खड़ी अपनी गाड़ी, और अपन यहाँ से जा रहे हैं पैदल। और सामने देखो ये मंदिर दिख रहा है, यहाँ से अपने को जाना है ऊपर, 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, 6 किलोमीटर ऊपर पहुँचेंगे अपन वर्ल्ड के हाईएस्ट शिव टेंपल। तो ये है यहाँ से रास्ता, और यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी ट्रैकिंग। तो अब चलते हैं अपन भगवान का नाम लेकर, हर हर महादेव। तो भाई चोपता तुंगनाथ में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, और यहाँ पे पूरी डिटेल क्या क्या चार्ज है, और ये घोड़ों का अस्तबल। तो भाई अपनी ट्रैकिंग हो गई स्टार्ट, और अभी बज रहे 7:30, तो देखते हैं अपन कितने टाइम पहुंचते हैं। और यहाँ का नज़ारा देखो, पेड़ क्या इतना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, अभी से सांस भर गई। तो भाई यहाँ मिला अपने को पहला घोड़ा, और ये सामान लेके जा रहा है, ऊपर भी दुकान वगैरह होगी, देखो यार जबरन लात मार रहा है भाई, उतर तो रहा है बेचारा, जबरन उसको लात मार रहा है, क्या ही बोले यार। तो इधर का नजारा चेक करो गाइस, पूरी सांस भर जा रही है, ब्यूटीफुल वेदर एकदम, बहुत ही ब्यूटीफुल अल्टीमेट। और अब की कंडीशन है ये हर हर महादेव, और करीब करीब मैं अभी 1 किलोमीटर चल चुका हूँ, और चलते पर हमने सोचा इतनी हाइट पे है तो ठंड होगी, लेकिन गर्मी लग रही है पैदल चलने से, तो यार शर्ट वर्ट सब खुल गया, दो स्वेटर पहन लिया मैंने, गलती कर दी। तो भाई अभी ऊपर चढ़ते चढ़ते हम लोग को पूरा उत्तराखंड का पहला बुग्याल मिला, जो कि यहाँ ये चेक करो पूरा बुग्याल है ये, और यहीं पे टेंट वेंट लगा के रहते हैं, और ये बहुत ही हाइट में मिलता है, लेकिन यहाँ पढ़ो बुग्याल में प्रवेश ना करें, इसको पढ़ लेना गाइस पॉज करके। और ये देखो प्यारे प्यारे डॉगी यहाँ, इनके बाल देखो कितने बड़े बड़े होते हैं शेर की तरह। और यहाँ बाबा जी, कुछ बनाने की, तो अब चलते हैं बना के। तो भाई लोग भी ट्रैक कर रहे हैं, कहाँ से भाई आप लोग? दिल्ली से सब? तो खाली तू नाता है कि आगे भी जा रहे हो? केदारनाथ से आ रहे हो? हम लोग भी केदारनाथ से आए हैं। हाँ तो बद्रीनाथ आज ही निकल जाओगे शाम तक? हाँ रोड वो खराब है बोल रहे हो उधर का, थोड़ा अभी 2 दिन से पानी गिरा ना इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हाँ हाँ तो ठीक हो जाता, सही है। तो चलो यार मिलते हैं, चलो आगे आओ। हाँ यूट्यूब पे डालता हूँ, चैनल बताओ ना बड़े। तो भाई लोग दिल्ली से मिले अपने को, ये लोग भी साथ में ट्रैक कर रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बड़े चैनल बताओ ना, बताओ यार। भाई लोग भी अब अपने साथ ट्रैक करेंगे, तो चलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे रहेंगे, मिलते हैं भाई, आओ फिर आगे, है ना। हर हर महादेव। तो यहाँ से चेक करो भाई,
मुग्याल, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहीं पे टेंट लगाओ, मस्त रहो, मज़े ही लगे। बाकी अभी थोड़ा बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा दिक्कत है, नहीं तो अपन टेंट लगाते। अपनी गाड़ी पे रखा है टेंट, यहाँ भी कुछ लिखा है, पढ़ लो। और यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है बीच में मिला है, तो इसकी पूरी डिटेल मैं दिखा देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना पॉज करके। तो भाई चलते हैं बिना लटकी, बहुत ही पसंद है अभी। ओम नमः शिवाय, तुम ना पराजगी जय हो। बुग्याल यार, दिल ले लिया मेरा अल्टीमेट। और ये देखो नज़ारे पे नज़ारे यार। तो भाई यहाँ की गौ माता अभी बहुत ही प्यारी प्यारी है, देखो इनके बाल कितने बड़े बड़े। और यहाँ इनकी ना हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती, देखो चढ़ते हुए कितना मस्त नज़ारा है यार, ब्यूटीफुल। हर हर महादेव। और अपने को मिली यहाँ पे पहली धूप, और बहुत ही शानदार, लेकिन और गर्मी कर देगी धूप। और भाई पीछे देखो, ये दादाजी को देख के बहुत ही खुशी मिली। देखो ये दादाजी इतने एज के हैं फिर भी पैदल चल रहे हैं, और नौजवान से नौजवान लोग चल रहे हैं घोड़े पे। यार ऐसा मत करो यार, इनको देखो और कुछ सीखो इनसे। और देखो उस पूरे परिवार में सबसे आगे चल रहे हैं, ये आंटी जी लोग भी हैं उनसे भी आगे दादाजी चल रहे हैं। और बिल्कुल यार तो बिल्कुल भाई इनसे देख के कुछ सीखो। हर हर महादेव। वही तो दादा दादी से कुछ सीखो, वही मैं बोल रहा हूँ। महाराज की जय हो, जय हो। तो भाई बिल्कुल भले थोड़ा सा टाइम लग जाए, एक घंटा दो घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, पैदल ट्रैक करो यार। पैदल ही करेंगे, पैदल ही करो। नहीं जय भोलेनाथ, जय भोले की, जय भोलेनाथ यार। भोलेनाथ का नाम लेके चलो यार, सब कुछ हो जाएगा। बम बम भोले, भोले भोले भोले, बम बम भोले बोलते ही ऐसी एनर्जी मिलती है, क्या होता है। तो भाई करीब करीब 2 किलोमीटर चल गए, थोड़ा सा और बचा है, तो चलते भागे। तो भाई आप लोग को मैं दिखाता हूँ भारत में स्विट्जरलैंड का सीन, ऐसे लग रहा स्विट्जरलैंड में हूँ। तो ये चेक करो, पूरी ये वादियाँ और ये नज़ारे, सच में स्विट्जरलैंड का लुक है यार। हर हर महादेव, अलग ही मजा यार, आखिर ही थक रही इनको देख देख के। और भैया लोग मिले अपने को, भैया लोग भी दिल्ली से हैं, भैया लोग भी केदारनाथ गए, पूरा पैदल चढ़े, पैदल उतरे और पैदल ही तुंगनाथ जा रहे हैं। ये भोले, जय भोले की, हर हर महादेव। तो भाई लोग चेक करो यहाँ का नज़ारा, और देखो उतना नीचे से भी आ रहे हैं वो वहाँ से। और यहाँ का सीन अल्टीमेट है, देखो पूरे बादल कैसे ऊपर उड़ के आ रहे हैं। थोड़ी देर वैसे ही रखता हूँ तो आपको समझ आएगा, नीचे से बादल पूरे ऊपर आ रहे हैं, तो अभी हम लोग बादल से भी ऊपर हैं। और अल्टीमेट हाइट है भाई, बहुत ही ऊपर हाइट है, मज़ा भी बहुत आ रहा है। चलने में थकान नहीं हो रही मेरे को, बस थोड़ी सी चलने से, हाइट पे जाने से सांस फूट रही है चलते चलते। तो बेहतरीन सीन भाई, स्विट्जरलैंड फैले भाई, सोचो कैमरा में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो आँखों में देखने से कितना ब्यूटीफुल लग रहा होगा।
भाई जरूर विजिट करो तुंगनाथ। और मेरा तो ड्रीम है तुंगनाथ, चलते हैं ड्रीम पूरा करते हैं यार। 2 साल से ड्रीम था केदारनाथ आने का। और सोनू भाई का मैं धन्यवाद करूँगा जो इस एरिया का उसको बहुत ही अच्छे से जानकारी है, तो बहुत सी जगह घुमाया और बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मैप है सोनू भाई के पास, तो हम लोग उसी को फॉलो किए और उसी के हिसाब से चले, तो बहुत सी जगह हम लोग अच्छे टाइम पे पहुंच गए, रास्ता कहीं नहीं भटके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और बड़े बूढ़ों पितरों का सबका आशीर्वाद साथ में चल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है हम तीनों को। तो भाई चलते हैं आगे। बस दिख रहा है यही मंदिर है ना, और अपने महादेव जी यहाँ दिख रहे हैं। थोड़ा जूम करता हूँ पर अभी तुरंत फॉग आ गया। तो भाई बहुत जल्दी ड्रीम पूरा होने वाला है अपना। और ये सीन चेक करो, अल्टीमेट। बस अब इंतजार नहीं होता भाई, दौड़ के चढ़ना है तुरंत अब ऊपर महादेव जी के दर्शन करने। बच्चे 200 मीटर और यह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चिड़िया मिली अपने को भाई। भाई यहाँ पे आकाश कुंड, वापसी में अंदर का दर्शन कराएंगे। अभी अपने को जाना इधर से ऊपर, बस मात्र 200 मीटर और इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। हर हर महादेव। तो भाई ये चेक करो, अल्टीमेट, कुछ भी नहीं दिख रहा सिवाय महादेव के। तो भाई लोग पहुंच चुके ऊपर, ये खड़ा रोशन मेरा वेट कर रहे हैं लोग, क्योंकि प्रसाद सब मेरे पास है। तेरे पहुंच के भी अंदर नहीं गए। तो भाई तुंगनाथ जाने के लिए रास्ता ये, और चंद्रशिला जाने के लिए, चंद्रशिला से 1 किलोमीटर है, देखते हैं डिसाइड करते हैं। सबसे पूछते हैं जाने के लिए क्या बोल रहे हैं, मन तो जाने का, कमेंट बताओ भाई जाए कि नहीं जाए। इतना ऊपर आने के बाद 1 किलोमीटर और जाना है कि नहीं जाना है कमेंट में ज़रूर बताओ यार। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के मेरे को, और बहुत ही सुकून सा मिल रहा है। मैं खारदूंगला किया और लद्दाख किया, वहाँ से ज़्यादा सुकून मुझे यहाँ मिल रहा है। और देखो भाई महादेव, सच में यार ड्रीम पूरा हो गया यार। हर हर महादेव यार, जय श्री तुंगनाथ। तो चलो अभी चलते हैं मंदिर के थोड़ा पास से दर्शन कराते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ भी फोटो अलाउ नहीं होगी अंदर पे, तो पर ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिससे शासन प्रशासन को तकलीफ हो। तो भाई यहाँ अपनी हुई आरती कंप्लीट, और सभी भाई लोग से जयकारा लगवाते हैं।
सभी भैया लोग तुंगनाथ का एक बार जयकारा लगाते हैं। तुंगनाथ महाराज की, तुंगनाथ महाराज की, हर 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 हर, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, तुंगनाथ महाराज की, हर हर महादेव। बोले 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 बोले, हर हर महादेव। तो भाई यहाँ के करो दर्शन, और यहाँ और मंदिर है, अभी एक बार पूजा कर लेते अच्छे से, फिर सबको दर्शन कराता हूँ सब जगह के यहाँ के। तो भाई जी बहुत ही अच्छे से हुए दर्शन अंदर पे, अंदर में अपन आरती भी किए और पूरे अच्छे से किए और भगवान को कपड़े भी चढ़ाए। एक बार नहीं, हर बार आएंगे, तुंगनाथ दोबारा आएंगे तो चंद्रशिला भी जाएंगे। अरे महादेव यार ये चीटिंग कर दिया यार इसने, चंद्रशिला जाने का बहुत मन है यार, लेकिन क्या करें, देखो मौसम देखो यहाँ का, और चंद्रशिला यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर है और मौसम नहीं है अभी जाने लायक। देखो पूरा फॉग है चारों तरफ, कभी पानी गिर सकता है, और जाना है नीचे अभी। तो अभी अपन मंदिर के चारों तरफ फेरी लगाते हैं एक बार शिव शिव रटते हुए। तो चलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। और भैरवनाथ जी के करिए दर्शन यहाँ पे, और यहाँ पे बैठे हैं पंच केदार जी, पांचों केदार के, पंच केदार के यहीं दर्शन करिए। और पंच केदार से हमारे दो हो गए, तीन केदार बचे हैं, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और डिफ़िकल्ट तो चल जाता है लेकिन हमारे पास समय नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपन पंच केदार को रखेंगे अपने इसमें। और यहाँ पे माता पार्वती के करे दर्शन, और यहाँ पे अपने गुरुदेव जी जो हमें आरती कराए, पूजा कराए, हर हर महादेव। तो गुरुदेव का लेते हैं आशीर्वाद। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो भाई जी यहाँ के हो गए मस्त से दर्शन, अब अपन जा रहे हैं वापिस नीचे की ओर, और अब यहाँ से जाएंगे बद्रीनाथ। और यहाँ का वेदर देखो, खड़े हैं पूरे बादल पे, अपन पूरा बादल पे खड़े हैं। और ये मंदिर देखो यहाँ से कितना पास है मंदिर, फिर भी नहीं दिख रहा है, इतना धुंध हो गया है। और अभी उतरने अपने को नीचे, तो चलते हैं बिना लेट किए। भाई लोग निकल गए घोड़े पे और मुझे जाने पैदल, अकेले अकेले चढ़े अकेले उतरेंगे, लेकिन बीच बीच में भाई लोग बहुत मिले तो पता नहीं चला। चंद्रशिला जाने का बहुत ही मन था लेकिन भाई लोग ने धोखा दे दिया, जाए नहीं, गए नहीं लोग। हाँ जी मंदिर का ये रास्ता है, हर हर महादेव, पूरा पैदल आए, पूरा पैदल आए, अरे बाबा, हर हर महादेव, बहुत अच्छी बात है। देखो इनको, हर कोई पैदल आओ यार, 60 साल की उम्र है और देखो पूरा पैदल आए हैं। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर साहब। कुछ देखो और कुछ सीखो, ऐसा मत करो यार, पहले तुम पहले से प्रैक्टिस करो चलने की, लेकिन पैदल आओ यार, ऐसा ना करो, किसी को तकलीफ दे के मत आओ। हाँ मैं मानता हूँ घोड़े शुरू से हैं और शुरू से यही काम करते हैं, लेकिन यार तीर्थ यात्रा में ऐसा मत करो यार, ठीक है उस समय साधन नहीं थे तो लोग यूज़ करते थे, लेकिन अभी साधन है तो तू भी मत उसे यूज़ करो घोड़े वोड़े। तो भाई अभी करेक्ट बज रहा है 10:16 और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ उतरना, और चढ़ने टाइम मैं 7:30 स्टार्ट किया था करेक्ट, और 9 यहाँ पहुँच गया, तो मुझे 1.5 घंटे लगे करीब करीब चढ़ने में, और अभी मैं उतर रहा हूँ, मस्त से दर्शन कर लिए और देखते हैं अब कितना टाइम लगता है अपने को। तो भाई ये देख लो, मैंने आप लोग को पहले दर्शन करा दिए पूरे वादियों के, तो बन गया, अभी देखो पूरा फॉग जम गया, अभी कुछ नहीं दिख रहा, ना कोई पहाड़ दिख रहा, सब जगह फॉग जम गया,
तो भाई सोनू लोग घोड़े से उतर रहे हैं दोनों के दोनों, और मेरे से आधा घंटा पहले निकले थे लोग। मैं आधे घंटे बाद निकला, थोड़े से वीडियो वगैरह निकल लिया, शूट कर रहा था, तो अभी चल रहा हूँ। और मेरे को उन लोग सामने मिल गए, तो अभी दिखाता हूँ उन लोग को आगे में। तो भाई घोड़े से भी ज़्यादा फास्ट उतर रहा हूँ मैं, और घोड़े से पहले उतरना है। बम बम मोड़े। तो भाई ये दिख रहे हैं लोग, ओ घोड़े वाले, ओ संदीप इधर तो देख ले, तेरी वीडियो वायरल होगी, फुल वायरल। तो भले ये आ गए घोड़े, और अपन अब उतरेंगे घोड़े से पहले। भाई एक ले लेते हैं छोटा सा शॉर्टकट, चढ़ने टाइम तो मैंने कोई से नहीं लिया क्योंकि चढ़ने टाइम थोड़े से डेंजर थे, तो यहाँ से उतरेंगे तो अपन डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मारते हैं एक शॉर्टकट भाई जी, एक शॉर्टकट का भी दिखा देता हूँ वीडियो कैसे उतरना पड़ रहा है। तो अपना जूता एकदम स्ट्रांग ट्रैक के हिसाब से ही थे, कहीं भी पैर रख लो स्लिप नहीं मार रहा, तो बहुत ही फैसिलिटी है इसमें मेरे को, मेरे जूते मुझे बहुत साथ दिए। तो भाई अपन चल रहे घोड़े से पहले, तो अभी दिखाया था और ये रहा घोड़ा। तो भाई घोड़े से पहले चल रहे देख लो, और संदीप की खुशी आप लोग देख सकते हैं। संदीप ने घोड़े में चढ़ने से पहले 3-3 किलो घोड़े को चना खिलाए, उसके बाद घोड़े में चढ़ा, बोला घोड़ा भूखा रहेगा तो नहीं जाऊंगा। तो भाई जी थोड़ा सा बचा अपना, और इधर से पूरा फॉग हट गया, ऊपर में बहुत फॉग था और अभी भी फॉग है बहुत, मंदिर तक नहीं दिख रहा। और यहाँ देखो यहाँ पूरा खुल चुका है मौसम। यहाँ से दिख रहा है स्विट्जरलैंड का नज़ारा। तो भाई जी बच गए थोड़ी सी दूर, और करीब करीब 2 किलोमीटर और उतरना है, और बाकी तो उतर गए अपन। तो भाई यहाँ के फूल दिखाता, देखो ये लगे हुए यहाँ पे, और ये देखो ये ब्यूटीफुल लग रहा है, इसको फोकस करते हैं। वाह, और ये देखो अल्टीमेट ना, और ये भी, और ऐसे बहुत सारे हैं, पूरे बुग्याल में यही भरे हुए हैं, इसीलिए बुग्याल इतना ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे इसलिए चढ़ने के लिए मना करते हैं कि ये सब खराब ना हो जाए। तो भाई बच्चे सिर्फ 700 मीटर और उतरना है, और अभी अपने को पूरी ढलान नहीं मिल रही है, तो उतनी थकान नहीं हो रही, उतनी सांस नहीं भर रही, तो अपन कंटिन्यू उतर जा रहे हैं। और भाई घोड़े से पहले उतर रहे अपने को, एक किलोमीटर और उतर लगे बस, बाकी फिर हो गया अपना कंप्लीट। और ये चेक करो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है देखो, और यहाँ भी कुछ लिखा है, शायद मैंने उस टाइम दिखाया था, इस पे चलने पे जुर्माना है। और ये सीन चेक करो भाई जी, भाई जी क्या हाल है सोनू भाई, कुछ बोलेंगे? वो देखो भाई सोनू भाई चल रहे पीछे, अपन चलते घोड़ों से आगे। और बचा सिर्फ 500 मीटर और चलने भाई, फिर अपन टाइम देखते हैं अपन कितने टाइम उतरे।
और देखो यहाँ की पेड़ वगैरह, मस्त जंगल है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखो देख रहे हो भाई, जवान जवान हाथ पैर सब बढ़िया, स्लिम बॉडी, फिर भी घोड़े पे। साले अगले जन्म तुम भी घोड़े बनोगे, बड़े वाले को अच्छे काटना पड़ा। अरे भाई लोग अभी चढ़ रहे हैं ऊपर के लिए, कहाँ से हो भाई? दिल्ली वाले भाई, दिल्ली वाले, दिल्ली लिए। घर पे दिखाना इनके भी? हाँ बिल्कुल, और क्या। तो भाई अपन 45 मिनट में मैं नीचे उतर गया, मात्र 45 मिनट लगा मेरे को नीचे आने में। इसमें भी इन लोग से मैं पहले, इन लोग मेरे से 15 मिनट पहले निकले लोग, और देख लो। हाँ इन्हीं के साथ है, इनसे 15 मिनट पहले बाद में निकला मैं, और इनसे पहले आ गया। तो भाई चलते हैं फटाफट आगे से, आगे चलना है अपने को। सोनू भाई क्या क्या पड़ेगा अभी रस्ते पे? गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ, तीनों को अटेंड करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपन बद्रीनाथ। तो शाम तक बद्रीनाथ पहुंचना है, यहाँ तुरंत निकलते हैं, देखते हैं अच्छा नाश्ता मिलता है, नाश्ता करेंगे फिर निकलते हैं आगे। तो भाई ये मुख्य द्वार और ये ट्रैक था अपना, हो गया कंप्लीट। और देखो नीचे की उस टाइम कितनी खाली थी और अभी कितनी भीड़ है, पूरी लाइन से ट्रैफिक, और हमारी कार खड़ी है उधर, और पीछे भी कई गाड़ियाँ लग रही है। देखते हैं पार्किंग कर निकालते गाड़ी बनेगा कि नहीं पार्किंग से। तो अभी चलते हैं अपन, देखते हैं कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। और ये तुंगनाथ जी का मेन द्वार, ये देखो आप लोग सभी लोग एक बार और दर्शन कर लो तुंगनाथ महाराज की, जय हो। तो भाई चलो अब, और यहाँ देखो अभी कितनी भीड़ हो गई है, और मॉर्निंग में अपन चढ़े थे तो पूरा खाली था। और देखो सब बाइक से राइडर सब आए हैं, बाइक से ज़्यादा हैं, यूपी के, दिल्ली के, हरियाणा के, तो सब लोग भाई लोग आए हुए हैं। लाइन से देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है पूरी, इधर पार्क, इधर पार्क, और ये सब पूरा भरा हुआ है। थोड़ा सा ट्रैफिक लग रहा है, देखते हैं अपनी गाड़ी निकालते बनेगा कि नहीं बनेगा।